रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट और यूजफुल जानकारी लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए। और हमारे कार्य को उत्साहित करने के लिए थम्स अप यानी कि लाइक बटन है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं तीन अपडेट देने वाला हूँ कि स्नोफॉल कब होगा इस दिसंबर के लास्ट जो सप्ताह है उसके अंदर, और साथ में बता दूँ कि स्नो कहाँ मिलेगी, बर्फ़ कहाँ मिलेगी वो भी बताऊँगा, और साथ में रोहतांग 7 दिन बाद जो खुल चुका है तो उसके बारे में अपडेट में अभी बताऊँगा। और आप मनाली के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, मनाली ट्रिप उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पर उसको लगा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो भारी स्नोफॉल के बाद 7 दिन बाद 20 तारीख को दोपहर के बाद रोहतांग पास है 20 वाहन मनाली पहुँचे, कहाँ से? लाहौल स्पीति से, क्योंकि ये वन वे रास्ता खोला गया था, उसके अंदर बर्फ़ हटाई गई और वन वे रास्ता होने के कारण एक तरफ से एक या तो लाहौल से ट्रैफिक आएगा या मनाली से लाहौल जाएगा, तो ये वन वे स्टार्ट किया है। और ये जो कोकसर है वहाँ से जो 8 किलोमीटर आगे है डोहरानी मोड़ पर पानी जमने से गाड़ियाँ हैं वो स्लिप करने लग गई है, और वहाँ से बड़ी मशक्क़त के बाद गाड़ियां आगे निकाली गई। रोहतांग के से पीछे लाहौल की तरफ फिसलन होने से जो दो तीन वाहन है वो गाड़ी वापस लौट गई है, और जो रेस्क्यू टीम है उसने जो ये रास्ता है उसके ऊपर बर्फ़ के ऊपर रेत बिछा कर गाड़ी का जो मार्ग है वो प्रारंभ किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो BRO है, BRO की वजह से ये कार्य हो रहा है, जो यहाँ वाहन फंसे हैं रोहतांग की तरफ मतलब लाहौल की तरफ और दूसरी मनाली की तरफ, तो उनको पार करने का प्रयास किया जा रहा है। और वैसे जो रोहतांग टनल से एक बस भी जाती है जिसकी अपडेट मैंने इससे पिछले वीडियो में डाली थी, और स्नोफॉल ज़्यादा होने के कारण रोहतांग पास परमानेंटली बंद कर दिया गया है और टूरिस्ट के लिए तो अभी बंद है। हो सकता है कि यदि वर्तमान कंडीशन रही तो टूरिस्ट के लिए खुल सकता है, क्योंकि अगला जो अपडेट है बर्फ़ से संबंधित यानी स्नो कहाँ मिलेगी, तो स्नो गुलाबा में थी वो पूर्णतया ख़त्म हो चुकी है, और अब आगे टूरिस्ट के जो टूरिस्ट है उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और यदि मढ़ी खोल दिया जाता है या रोहतांग टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है जिसकी संभावना बन रही है, यदि मैंने एक प्रेडिक्शन किया था 22 और 23 को स्नोफॉल, तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। यदि वो स्नोफॉल नहीं होता है तो इस स्थिति में मेरे अनुसार ये रोहतांग पास खुल सकता है, कन्फर्म नहीं है। तो अब आगामी स्नोफॉल जो उसके बारे में भी बताऊंगा, उससे पहले बता दूं कि बर्फ़ या स्नो के अंदर या स्नोफॉल के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पर उसको लगा रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें रोहतांग पास के बारे में बताया है। तो उसकी जगह आप कहीं भी स्नो पॉइंट है यदि वहाँ जाएंगे तो आपको वो समस्या पहली बार आए तो वो उनकी समस्या स्नोफॉल से रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती है उसका क्या समाधान है तो उसमें बताया गया है। और अब आपको मैं बता दूं कि अब आपको बर्फ़ तो यहाँ कहाँ मिलेगी, बर्फ़ आपको मिलेगी मंडी के अंदर, तो आप वहाँ आ नहीं सकते, इसलिए आपको एक मैं अलग ही जो कम लोग जाते हैं हमता पास वहाँ से जा सकते हैं, तो उसका एक अलग ही ट्रैक बनेगा, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि मैं पूरे दिसंबर महीने में स्नोफॉल कब कब होगा उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो वो अभी थोड़ा नहीं बन पा रहा है, उसमें मैं जनवरी और दिसंबर दोनों शामिल कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा नज़र बनाए हूँ, जैसे भी कोई कंफर्म स्नोफॉल का समाचार होगा तो मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा जनवरी और दिसंबर का प्रिडिक्शन कि स्नोफॉल कब कब होने वाला है।
अब आपको स्नोफॉल इस महीने के अंत में स्नोफॉल कब होने वाला है तो बता देते हैं। इस महीने के अंतिम सप्ताह के अंदर स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा 26, 27 और 28 को। तो ये 26 का थोड़ा सा अभी कम चांसेज है और 27, 28 का थोड़ा चांसेज है। टेम्परेचर अभी स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि 22, 23 का यदि स्नोफॉल होगा तो ये भी होने की संभावना बनी रहेगी। यदि अपडेट अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।